2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जो है मैं इस समय गांव के तरफ रुक गया हूं, क्योंकि गांव का क्या मिजाज है जानने का प्रयास करूंगा। क्योंकि गांव जो बसते हैं वो जो है वहां पे कितने मेहनत से लोग वहां पे काम करते हैं रहते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के मैं इस समय जो है राजमहल लोकसभा क्षेत्र के लिट्टीपाड़ा विधानसभा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में हूँ। और यहाँ पे आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है किस तरह से जो है बाँसों का जो है वो सामान को बनाया जा रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो है बाँस का चीज़ है वो यहाँ पे कारीगर है, वो ये सब चीज़ों को बना रही है। आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों पति पत्नी है, मेहनत कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि ये लोग कितने मेहनत से जो यहाँ पर बाँस लेके आते हैं, इनको जो है बाँस को सफाई से छीलते हैं, फिर जो है ये बनाते हैं और इनको जो है बाज़ारों में ले जाकर बेचते हैं। और इनसे कितना आमदनी हो जाती है, कितना मुनाफा हो जाता है, कैसे इस घर परिवार चलता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कितनी मेहनत होती है इन सभी चीज़ों को में बनाने में। और चुनाव को लेकर भी जानने का प्रयास करेंगे, चूँकि अभी चुनाव का माहौल है तो उनसे भी जुड़े बातें करेंगे। ये बताइए कि ये बनाते हैं, कितना मेहनत लगता है बनाने में, क्या चीज़ सारे चीज़ें इस पर जो है लगते हैं, ये बताइए कितना मेहनत लगती है बनाने में। ये मतलब बहुत मेहनत लगता है, फाड़ने होता है, फिर छोलने होता है, फिर बनाने होता है, और दाम तो बहुत कम, और बांस भी बहुत रेट हो गया, घर वाला लेता है, हम लोग तो नहीं लेते हैं, पड़ता नहीं हो रहा है। बांस खरीद के लाते हैं। हाँ तो कितना इन आमदनी हो जा रहा है? कुछ भी नहीं है, तो खाली रोजी रोटी चलता है ऐसे। चुनाव भी आ गया है, हाँ वोट आ गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बार? क्या कहेंगे, मोदी को देने होगा। क्यों ऐसा मोदी को दीजिएगा? वो मतलब काम भी ठीक करता है। क्या काम हो आपको अच्छा लगा उनका काम? क्या काम अच्छा लगा? उसका काम मतलब है, एनी टाइम के लिए वो सब मदद देता है। एक ठो बांस का दाम है 120 रुपया। कितना बन जाता है कितना डालिए? दो ठो होता है। अच्छा, उससे कितना इनकम होता है दो ठो डालिए का? दो ठो में कितना होगा, 100 होगा। अच्छा, अब बनता है कितने दिन में है? 2 दिन, 1 दिन में तो नहीं होगा। इस बार चुनाव भी आ गया है, क्या कहेंगे इस बार चुनाव क्या रहेगा मुद्दा? क्या बोलेंगे, घर सब नहीं आ रहा है, वही सब तो तकलीफ है हम लोग को, तो मोटा मोटी घर का है, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, और मतलब ये माल सब बहुत हैवी रेट से नहीं बिका रहा है। तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव क्या होने वाला है? चुनाव तो देखिए, हम लोग तो मोदी को देंगे, मोदी को देंगे। क्यों मोदी जी को देंगे? मतलब आगे पीछे सब वो अभी देख रहा है, सब संभाल रहा है। कुछ लाभ मिला आपको उनका? लाभ लाभ तो है, चावल मिलता है, चावल मिल रहा है। हम्म, अरूर अभी आप लोगों को नहीं मिला? नहीं। और क्या काम अच्छा लगा आपको उनका, प्रधानमंत्री का? देखिए वो सब में स्कूल में बच्चा सबको तकलीफ तो नहीं हो रहा है, सिर्फ वहाँ भी ठीक है। हाँ, किसान खेती वाला भी देता है, सब में मतलब उसका ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? लखन वाले। और सरकार को तो पता तो है ना कि जाति मोहली है हम लोग को, लेकिन सरकार हम लोग को कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा है। कुछ मतलब वो मोहली जाति के लिए कुछ तो कहा, कुछ भी नहीं किया है। मतलब जाति इन लोग का है तो कुछ कुछ ना कुछ रोजगार इन लोग को देंगे, कि इनकम थोड़ा देंगे, कि कुछ उन लोग को सामान बनाए, कि ताकि काफी रेट से उन लोग ज्यादा से विक्रेता कर सकते, वो भी नहीं हो रहा है। सरकार को तो मालूम है कि जाति मोहली है, इस सब बांसों का चीज में बनाता है कि बन रहा है, लेकिन सरकार हम लोग का कुछ ध्यान भी नहीं दे रहा है।
क्या मांग करते हैं सरकार से आप लोग? सरकार मतलब काफी कुछ मतलब सरकार से यही चीज कि सरकार से कुछ रोजगार दे कि हर एक चीज सामान बनाएंगे हम लोग को काफी रेट से बिकेगा अगर हम लोग घर में बनाएंगे। यही सब चीज बनाते हैं घर में तो लगभग 200 रुपया एक तो सामान में कि बिकेगा कि ऐसे जगह ऐसे मतलब सरकार जो चुनाव करता था कि वो जगह की हम लोग मतलब इस सामान तो सेलिंग करते ऐसे ही, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है। हाँ यही मांग है कि काफी रेट से अगर 50 के हम लोग 50 के भाव में अगर बिकाते हैं लेकिन सामान तो बेचते हैं लेकिन वो चीज 100 रुपया में बिकता तब ना हम लोग का फायदा होता, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। काम के बारे में तो कहाँ कुछ नहीं लगता है मतलब काम के बारे में क्या बोलेंगे, काम तो कोनो नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं। वही आवास बोलेंगे, आवास नहीं मिल रहा है ना वही तो बोलेंगे, बाकी हम लोग का कुछ नहीं है। अपना घर परिवार बाल बच्चा को लिए तो हम लोग देख मतलब कुछ भी अपना से खुद से भी कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई, लेकिन खाली वही तो आवास तो नहीं मिला है वही तो कुछ बोल नहीं है, बोलने का जरूरी है। अगर जब ऊपर से आदेश आया है कि घर बनाने के लिए आवास तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है तो कुछ मौका मिलेगा ना उस टाइम बोलने के लिए? आमदनी नहीं हो रहा है मतलब एक सामान बनाते हैं, इतना बड़ा सामान हम लोग बनाते हैं तो 50 रुपया दाम होता है इसका, 50 रुपया दाम होता है तो 2 गो 3 गो बना लेते हैं, फिर बांस तो खरीद के लाना पड़ता है, एक एक गो बांस में 100 रुपया करके, तो कुछ नहीं हो रहा है इसमें, खाली सिर्फ घर परिवार चलाना होता है, रोजी रोटी चलता है इसी में, हम लोग को कुछ नहीं कर पाते। और हम लोग को देखिए अगर हम लोग को इनकम में अगर 200 की काम करते करते अगर कुछ भी इसमें रोजगार इनकम हो जाता तो हम लोग का घर मतलब ऐसा तो नहीं रहता, हम लोग झोपड़ी में रहते हैं। अगर हम लोग का जी कुछ भी मतलब रोजी रोजगार अच्छा से होता, इनकम अच्छा से होता तो हम लोग को घर अच्छा अच्छा घर बना लेते, बच्ची भी अच्छी अच्छी स्कूल में पढ़ाई करते, कुछ तो नहीं। घर के लिए आवेदन या फिर ऐसा सब कुछ दिए नहीं थे? मतलब दिए हैं, मतलब बहुत सारा आदमी बोलता है कि वार्ड समिति सब कोई बोलता है आएगा आएगा, इतना दिन से तो नहीं आता है, 10 साल पहले से हम लोग का बोलता है कि आएगा आएगा, लेकिन कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है। काम में कितना मेहनत लगता है सारे? बहुत मेहनत लगता है, दोनों आदमी हम लोग खटते हैं, छूलते हैं, प्लेन करते हैं, सब अच्छा से मतलब संदुरुस्त करते हैं तब तो होगा इसमें। देखिए कल से ये सब बना रहे हैं, आज फिर कल से हम लोग चीरे फाड़े मतलब अच्छा से फिनिश किए, फिर आज ऐसा कर रहे हैं हम लोग, ईट होगा तब तो हम लोग का पैसा होगा 250 रुपया दोनों आदमी में, 2 दिन में 250 रुपया नहीं हो रहा है हम लोग का।